الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله 23 شوال المكرم 1441 هجري 16 جون 2020 يوم الثلاثاء सहशंबा यानी ट्यूसडे मंगल। सूरतुल बकरा की 11वीं आयत आज हम शुरू करने जा रहे हैं अल्लाह के फजल व करम और एहसान से। आयत समाअत फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम व इज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फिल अर्द क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। तर्जमा कंज़ुल ईमान शरीफ से। और जो उनसे कहा जाए ज़मीन में फसाद ना करो तो कहते हैं हम तो संवारने वाले हैं। अब इस आयत के ताल्लुक से किताबों से चंद तफासीर आपकी खदमत में पेश करता हूँ। तफसीर तबरी से सबसे पहले मैं ये इबारत पढ़ दूँ आपकी खदमत में। अल्लामा तबरी लिखते हैं इस आयत के तहत نزلت في المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان معنيا بها كل من كان بمثل صفتهم من المنافقين بعدهم إلى يوم القيامة। فرماتے ہیں یہ آیت جو ہے हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के दौर में जो मुनाफिकीन थे उनके हक़ में नाजिल हुई। मुनाफिकीन जो हुज़ूर के हक़ में दौर में थे उनके हक़ में नाजिल हुई। और फरमाते हैं मानियन यानि जो इसका माना है नाजिल तो उनके लिए हुई लेकिन क़यामत तक जितने लोग मुनाफिकीन रहेंगे जिनके अंदर ये सिफतें होंगी जो उस वक्त के मुनाफिकीन में थे क़यामत तक आने वाले तमाम मुनाफिकीन के लिए ये आयत समझ लीजिए उनके लिए भी मानियन हुक्म लग रखती है। ये नहीं था कि बस ये हुजूर के दौर में मुनाफिकीन थे आ गए चले गए सरकार ने जलील कर दिया मस्जिद से बाहर निकाल दिया और ख़त्म हुए। कुछ रहे भी उनकी ही नस्ल तो आज तक चल रही है मुनाफिकीन ख़त्म होने वाले नहीं हैं। ये मुसलमानों के बीच में घुसकर मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने वाले उस वक्त में भी थे आज भी हैं और क़यामत तक आते रहेंगे ये नुकसान पहुंचाते रहेंगे। और सबसे जलील सबसे सख्त सबसे बेइज्जती वाला अजाब जो है इन्हीं को मिलता रहेगा। मुनाफिकीन के लिए सबसे निचला गड़ा जहन्नम का तैयार है। तो यहाँ पर मैंने अल्लामा तबरी की इबारत पढ़ी। मैं और भी तफासिर से हवाला दे सकता था लेकिन मैंने इस तफसीर का हवाला दिया कि ये किसी बरेलवी आलिम ने किसी अहले सुन्नत के आलिम ने नहीं लिखा है ये अल्लामा तबरी ने खुद तहरीर फरमाया है और अपनी तरफ से नहीं तहरीर फरमाया। और भी इन्होंने जो अपने से भी ऊंचे जो उलमा थे उनके साथ में जो किताबें पढ़ी होंगी दर्स हासिल किए होंगे उनके ज़रिए से इल्म हासिल करके आपने ये तहरीर फरमाया कि ये आयत जो है ये तमाम मुनाफिकीन जो क़्यामत तक आने वाले हैं सब के लिए है जिनके अंदर ये मुनाफिकीन की सिफात होंगी। अब आइए आगे बढ़ते हैं। ये तो साबित हो गया कि उस वक्त के मुनाफिकीन के लिए नाजिल हुई क़्यामत तक आने वालों के लिए हुक्म रखती है। अब आयत में है क्या फरमाया व इज़ा क़ीला लहुम पहले जब और जब उनसे ये कहा जाता है लोग कहते हैं किला कौन कहते हैं किला का मतलब आता है कहा जाए कौल से बना है कौल यानी बात कलाम जो होता है उससे किला है तो किसने कहा इनसे कौन कहता है इनसे कि जो क्या कहते हैं वो आगे आएगा कौन कहता है पहले कहने वाले कौन है तो इसके बारे में अक़वाल हैं तीन हैं कि
सबसे पहले तो मोमिनीन जो सहाबा थे उस वक्त के, सहाबा उनसे कहते थे कि जैसे ये सब हरकतें छोड़ो, जैसे हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो जलाल में थे, वो तो बस हर कई मरतबा है कि या सरकार मुझे इजाज़त अता फरमाइए, मैं इस मुनाफिकीन का सर काट देता हूँ। कई जगह पर ये आपके अल्फाज मौजूद हैं और काटा भी आपने आगे, वो इंशाल्लाह पहुँच गए, अगर हमारी हयात रही उस आयत तक पहुँचे तो वाकया पूरा आपकी खदमत में पेश करूँगा कि आपने कलमा पढ़ने वाला उसका सर ही काट दिया था तलवार लाकर। तो इनसे सहाबा कहते थे कि सही तरीके से ईमान ले आओ, ये सब हरकतें छोड़ो। और दूसरा कौल ये कि इनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे, और तीसरा ये भी है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल खुद फरमाता था। अब ये खुद फरमाने से मुराद ये नहीं कि इनको इनसे कलाम हो रहा है, जी नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से, वहीयों के ज़रिए से, जैसे यहाँ पर है। और ये भी है कि वही में जिक्र हो रहा है कि सहाबा जब कहते थे तो फिर ये क्या जवाब देते थे। जब उनसे कहा जाता है ला तुफ्सिदु फिल अर्द, जमीन में फसाद मत फैलाओ, जमीन में फसाद मत फैलाओ, तो फसाद पर बहुत से अकवाल हैं, बहुत सी बातें हैं, उस पर इंशाल्लाह चंद बातें आज अर्ज करने की कोशिश करता हूं मैं। फसाद का माना क्या है वो पहले समाज फरमाएं। अच्छा, पहले एक बात ये भी समाज फरमा लीजिए, ये लफ्ज़ फसाद क्यों इस्तेमाल किया गया? यानी कुरान पाक का एक एक लफ्ज़ जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की शान इतनी निराली है कि एक एक लफ्ज़ के बारे में सोचते चले जाएं कहाँ से कहाँ पहुँचते जाएंगे और क्या क्या हिकमतें ज़ाहिर होंगी। और अल्फाज भी इस्तेमाल किए जा सकते थे, ज़मीन में जंग मत करो, ज़मीन में खून खराबा मत करो, ज़मीन को ख़राब मत करो, अल्लाह की ज़मीन पर सही से। फसाद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, इसमें तो और भी हिकमतें, एक हिकमत ये बताई गई, उलमा ने तहरीर फरमाया है, यहाँ पर खुद अल्लाह ये अल्लामा तबरी रहमतुल्लाह ताला अलैहि भी फरमाते हैं, वो हिकमत लिखते हैं कि फसाद क्यों, फसाद का लफ्ज़ इस्तेमाल क्यों किया गया। तो फरमाते हैं कि जब अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने हुक्म फरमाया था फरिश्तों को जमा करके कि मैं इंसान को, आदम को अपना खलीफा बनाकर, अलैहिस्सलाम अपना खलीफा बनाकर ज़मीन में भेज रहा हूँ, ज़मीन में मेरे खलीफा जो होंगे आदम होंगे, तो फरिश्तों ने ये सारी बातें फरिश्तों के सामने थी, इसमें भी आएंगी आयतें इंशाल्लाह, अकवाल हैं कि अल्लाह के बताने से उन्हें मालूम हो गई या उन्होंने खुद लौहे महफूज पर पढ़ लिया जो कुछ होने वाला था ज़मीन में, आदम अलैहिस्सलाम जाएंगे और इनकी नस्ल जो होगी, इनके जो औलाद होंगी वो क्या करेंगी ज़मीन में, तो उन्होंने यही कहा था। क्या कहा था? अर्ज की थी अल्लाह की बारगाह में, कौलू अतजअलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा, अल्फाज देखिए, लफ्ज़ वही इस्तेमाल करें, वही जुमला है, उनको खलीफा बना रहा है या अल्लाह अज़्ज़ा वजल, अल्लाह पर एतराज़ नहीं कहते, अर्ज़ की थी कि ये बहुत फसाद फैला देंगे, ये तो ज़मीन मैं युफ्सिदु फीहा, ज़मीन में जाकर फसाद फैला देंगे, फसाद करेंगे जाकर, ज़मीन को ख़राब करेंगे, उनको, उस इंसान को, उस नस्ल को, उस चीज़ को तेरी तख्लीक है जिसके अंदर नफसानियत है, गुनाहों की तरफ माइल होने की फितरत मौजूद है, आदम अलैहिस्सलाम की बात नहीं कर रहा हूँ, उनकी नस्ल की बात जो कर रहा हूँ मैं, जो औलादें आएंगी, यानी ये सब, और ये अपनी उसी नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी करते हुए तेरी भी नाफरमानियाँ करेंगे, ज़मीन में फसाद फैला देंगे। फसाद का माना मैं आगे बताता हूँ, फसाद का यानी लुगवी माना क्या है, डिक्शनरी और इस्तिलाही माना, फसाद कहते हैं किसी चीज़ का अपने एतदाल से निकल जाना और नफ़े के लायक नहीं रहना, ये बड़ा इन्हें हार्ड हो गई, किताबों में ये तारीफ लिखी है, किसी चीज़ का एतदाल से निकल जाना, नफ़े के लायक नहीं रहना, यानी कि नॉर्मल जो हालत है इंसान की, उससे, इंसान नहीं किसी भी चीज़ की जो लिमिट है, बॉर्डर है, उस बॉर्डर से बाहर आ गया वो फसाद है। इसकी मिसालें समझ लीजिए, अब आ गई बात तो मैं अर्ज़ करूँ, फिर फरिश्तों की बात पर जाते हैं। दिल जो है
इसकी बॉर्डर क्या है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल की याद में रहे, अल्लाह अज़्ज़ा वजल की इताअत के हुक्म देता रहे, नेकियों की तरफ रागिब होता रहे, ज़िक्रुल्लाह में महव रहे। दिल की ये लिमिट है। अब वो इससे बाहर निकल जाए, लिमिट क्रॉस कर दे, अल्लाह को ही मानना छोड़ दे, कुफ्र करना शुरू कर दे, गुनाह करना शुरू कर दे, ये दिल का फसाद है। फसाद यही नहीं कि राइट वगैरह, इसको फसाद हमारी किताबों में यानी इससे यहाँ मुराद ये नहीं है। मुराद यहाँ पर यह है कि किसी चीज़ का बाहर अपनी लिमिट क्रॉस कर जाना और फिर नफ़े के लायक नहीं रहना। फसाद के अपोजिट जो है वो इस्लाह है, यानी भलाई, खैर। ये फसाद जो है इसके अपोजिट में, इसकी ज़िद जो है इस्लाह, इसमें खैर ही खैर है। फसाद में खैर नहीं, नुकसान ही नुकसान है किसी भी चीज़ का। अब यही देख लीजिए, खाने की चीज़ें जो होती हैं वो बॉर्डर में रहती हैं जब तक कि उनका यानी खाने के लायक हैं। अब वो उस बॉर्डर से बाहर निकल गई कुछ वक्त के बाद, अच्छा जो था, खाने के लायक जो थी, उससे बाहर निकल गई, बदबू आना शुरू हो गई, बोलते हैं खाना ख़राब हो गया, सड़ गया, और फिर वो नफ़े के लायक नहीं रहती, ख़राब हो जाती है ना। ये अपनी किसी चीज़ का बॉर्डर क्रॉस कर लेना, हद से ज़्यादा मतलब हद से बाहर निकल जाना, ये उस चीज़ का फसाद है। मैंने एक मिसाल के तौर पे चंद बातें अर्ज कर दी कि इसको आसानी से आप समझ सकेंगे। इंसान का भी कि इंसान तेरी तो तुझे तो बनाया ही इसलिए कि तू इबादतें करे, इबादतों में मशगूल रहे। अब उसकी बॉर्डर ये है, लिमिट यही है कि इसमें अल्लाह की पैरवी करता रहे, अल्लाह सज्जल के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजारने की कोशिश करता रहे, ये इसकी लिमिट है। अब वो लिमिट क्रॉस करे, उस बॉर्डर से बाहर निकल जाए, तो इंसान का फसाद है। फिर वो जाकर जैसे कि जो मानते नहीं अल्लाह को, कुफ्र करते हैं, शिर्क करते हैं, बुतों की इबादत जो है फिर क्रॉस के सामने खड़े हो रहे, ये बॉर्डर से बाहर निकले हुए, ये फसाद कर रहे हैं, ये नफे के लायक नहीं रहेगा, ये बाहर आ गया। इंसानों का फसाद और भी, यानी गुनाह में अगर लग गया, तुझे बनाया किस लिए था, तेरे लिए हुक्म फरमा दिया था कि इस टाइम पे तुझे नमाज पढ़नी है, पैसा है, बचा है तो ज़कात देनी है, ये रोज़े रख, ये उसकी बॉर्डर्स बनाई गई थी, हदूद बनाई गई थी अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तरफ से, वो हदूद क्रॉस कर दिया, इंसान का फसाद है। वो नफ़े के लायक नहीं इंसान, वो इंसान फिर वो खुद भी तकलीफ़ में, दूसरों को भी तकलीफ़ें पहुंचाता रहेगा। ये आगे आएगा इंशाल्लाह फसाद के बारे में। सबसे बड़ा इस्लाह क्या है ज़मीन की, सबसे बड़ी इस्लाह जो है वो क्या है, वो इंशाल्लाह मैं आगे अर्ज़ करूँगा। यहाँ पहले फरिश्तों की बात कर लें, क्या उन्होंने यही अर्ज़ की थी, या अल्लाह अज़्ज़ा वजल ये तो जाएगा और फसाद कराएगा, इब्ने आदम जो होंगे, इनकी औलादें जो होंगी, ये फसाद फैलाएंगी ज़मीन में। तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल, और फिर अपने बारे में अर्ज़ की थी कि या अल्लाह हम तो दिन रात तेरी इबादतों में लगे रहते हैं, हमारे पास तो नफ्स भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तेरी इबादतों में। उन्होंने कहा था या अल्लाह अज़्ज़ा वजल ये फसाद करेंगे, फसाद फैलाएंगे, हालांकि उन्हें खामोश कर दिया गया था। वो पूरी तफसील है, वाक़ा है पूरा, वो आयात मौजूद हैं। यहाँ पर ही मैंने जो अर्ज़ करना था, फसाद का लफ्ज़ ही क्यों इस्तेमाल किया गया, तो वहाँ से जो फसाद था वो अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया कि फरिश्तों ने तुम्हारे बारे में कहा था कि तुम फसाद फैलाओगे, देखो ऐसे मत करो, ऐसा मत करो, ज़मीन में फसाद मत फैलाओ, ज़मीन को ख़राब मत करो, अपनी लिमिट से बाहर मत जाओ, अपने बॉर्डर से बाहर मत जाओ, अपनी हद से उदूल मत करो, इतदाल मत करो, जिस काम के लिए आए हो वो काम करो। अब ये फसाद क्या था इनका, कैसे ये क्या करते थे, क्या क्या नुकसान पहुंचाते थे, वो इंशाल्लाह तफसील के साथ इंशाल्लाह इसको सुनेंगे, काफ़ी बहुत सी मालूमात इसमें इंशाल्लाह मिलेंगी। तो ये फसाद के ताल्लुक से सिर्फ उसके माने के बारे में, और फसाद का ही लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया गया वो मैंने अर्ज़ किया कि उस वक्त में फ़रिश्तों ने फसाद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया था, तो उसी को यहाँ पर इन लोगों से कहा गया कि तुम्हारे बारे में जो कहा गया वही काम मत करो, मैंने खलीफा बनाकर भेजा था तो खलीफा बन कर रहो, मुझसे बगावत मत करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अज़्ज़ा वजल का एहसान है कि हम उसके मानने वाले हैं, बहुत बड़े इबादत करने वाले नहीं, बहुत बड़े मुत्तकी परहेजगानी, पर कम से कम उसके वफ़ादार तो हैं इंशाल्लाह, और अगर वफ़ादार हैं, ईमान वाले हैं, तो इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल दोनों जहान की भलाई हमारे लिए ज़रूर है इंशाल्लाह। अल्लाह हमें दोनों जहान की भलाइयाँ अता फ़रमाए, दोनों जहान में इज़्ज़तें अता फ़रमाए।
आमीन बिजाहिन नबी अल अमीन सल्लल्लाहु